11:15 मॉर्निंग सोने की कोशिश कर रहा था मेरा एक पॉडकास्ट देख रहा था वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इन पॉडकास्ट और मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक साथ एक इस पार्ट को रिएक्ट ठीक है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दो लाइक आर वेरी

पाकिस्तान की तारीख पढ़े आई डोंट नो इफ यू आर फेमिलियर पाकिस्तान हिस्ट्री पोलिटिकल साइंटिस्ट को सुने सबका मोर और लेसेंस है ओपिनियन है कि डेमोक्रेसी में फायदे हुए डेमोक्रेटिक दिमौक, सेटअप एक फंडामेंटल फंडामेंट ऑफ कोर्स रियली पाकिस्तान को किधर like, really? कोर्सली दो दो अलग बातें होंगी या तो अगर आप पॉपुलिस बातें करेंगे या तो आप जेनवन बात करेंगे

नॉट एजुकेट पीपल उनको किस इंसान को लाना चाहिए किस इंसान को नहीं लाना चाहिए इट इज गोइंग बहुत सिंपल सी बात है आई मीन आई नो आई इंडोर्स दिस अगर हर एक चीज में डॉक्टर maybe uh, a, a cricketer, you have to pass an entire process. Why don't we educate everybody so that they will be educated enough to understand? Hai, nahi because if, because usse ye ho jaata na, ki eventually if there's a big chunk of people, which might not be majority, if they don't understand. Ki yar, kis ko collective, kis ko da ki, collective society. Ki

आर डिफरेंट जो अपने पॉलिटिकल इंसेंटिव्स के लिए वोट कर रहा है और उसको अंडरस्टैंडिंग है उस बेसिस पे कर रहा है उसका हक है ये आईक्यू वाली जो एक आइडियाज हैं आई थिंक देर आर के आइडियाज ऑफ थिंक टू थिंक ऑफ पीपल टू डिवाइड देम इनटू लो आईक्यू पीपल और हाई आईक्यू आई थिंक वी कम ऑन मैन दैट इज अ होल आईक्यू स्पेक्ट्रम जो लोगों को डिवाइड करता है हर एक चीज में हायरार्की होती है हर एक सोशल सेरे में हायरार्की तो मतलब अगर तुम तो कॉर्पोरेट जाते हो तो वहां पे क्यों बेसिकली हायरार्की किसी भी सोशल सेटअप में हायरार्की है

Sile's idea of right and wrong. No, no. Of course, from his own good. Mera he Yo, cannot tell whatever is good for every him. Every or... single person who votes votes according to what he thinks or she thinks is good or bad for them. Exactly what he thinks. Let me re rephrase what he said because because again, this needs to be go in our heads. Every person he or she who votes, they vote based on what they have been told.

उनको तो लाइन में खड़ा करके वोट लेके लाया जाता है <laughs> ये बहुत सही बोला इसने बिरयानी का पैर देखा यार आई हैव सीन इन पाकिस्तान इवन इट इन इंडिया मे मे बी बी इट इन बांग्लादेश टू ये शायद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है ये शायद बाहर की कंट्रीज में ऐसा होता होगा आई एम नॉट मच अवेयर कि बिरयानी का प्लेट खिला के लोगों को वही बोला जाता है कि तुम तो मुझे वोट करो पाँच पाँच सौ रुपये बांटे जाते फिर ये बोला जाता है तुम मुझे वोट करो और उन पाँच सौ पाँच सौ रुपये का फिर ये मंत्री जी हमारे पाँच हज़ार करोड़ के

एक जब एक जनरलिटी में बात बोली जाती है वो तुम्हें तो कोई एक्सट्रीम एग्जाम्पल देंगे और बोलेंगे दो अरे भाई जिस बिकज एक केस हुआ हो जिस बिकज पाकिस्तान में एक इलेक्शन में इंटरवेंशन हुआ हो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक इलेक्शन में इंटरवेंशन होता है वैसे भी होता भी है वहाँ पे पा, वहाँ पे तो वोट की कोई वोट की क्या था वो पाकि नवाज शरीफ का नारा वोट को इज़्ज़त दो वोट को इज़्ज़त दो हाँ वहाँ पे तो कोई इज्जत ही नहीं है भाई जहाँ जनरल साहब जिसको चाहे उसको जता दे क्या दिक्कत है नो नो आई एम लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान इन एनी वे आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ द स्टेट वर्क्स और हाउ स्टेट फंक्शंस राइट लेकिन एक केस स्टडी आपने लिए मैं जनरली आपको बता रहा हूं ज्यादातर पाकिस्तान mm -hmm. के वोटर्स को आपने कितनी स्टडी की है बिकॉज़ दिस इज समथिंग दैट आई एक्चुअली स्टडी एंड डू ऑल द टाइम हाउ मच हाउ मेनी इलेक्शंस हैव यू लुक्ड एट हाउ मेनी इलेक्शन रिजल्ट्स हैव आई विल टेल यू समथिंग मोस्ट ऑफ द इलेक्शंस इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वोट मोस्ट ऑफ डी इलेक्शन राउंड डी वर्ल्ड मोस्ट ऑफ डी पीपल डोंट वोट सो सो व्हाट आईएम सेइंग इज़ ज़्यादातर कॉम तो ये बता रही है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए ना बिल्कुल ऐसा नहीं है दुनिया भर में ये होता है अच्छा <laughs> दुनिया भर में होता है तो सही तो नहीं हो गया नहीं, ना बिल्कुल देखें आप

आम बंदे को जो पाकिस्तान का रेगुलर एवरेज जो है उसकी क्वालिफिकेशन टू सेलेक्ट अ प्रेसिडेंट उसकी क्वालिफिकेशन टू सेलेक्ट हिज लोकल बॉडी काउंसलर नहीं उसकी तरीके से सही तरीके से एस्टेब्लिश की भी हम पूरे पाकिस्तान की बागडोर उसकी हाथ में दे रहे हैं आई थिंक ये बहुत ही एक गलत तरीका है no, बहुत हकारत से और इंसानों को इस तरह देखना नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 भाई यार ही ही लुक्स लाइक अ हिपोक्रेट टू मी मैन ही सेड कि उसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन एस्टैब्लिश नहीं की गई है तो एस्टैब्लिश कौन करेगा स्टेट स्टेट ये चाहती है कि लोग डाउन रहे भाई समझ समझ रहे हो ताकि उनको ब्रेन वॉश करना बहुत ज्यादा ईजी ये तो स्टेट चाहती है चाहे वो कोई कहीं की भी स्टेट हो हम डे नाट टॉक अबाउट वन कंट्री एचुअली ठीक है अरे मैं हकारत की नज़र से देख रहा हूँ नहीं मैं हकारत की नज़र से नहीं देख रहा हूँ शायद ये साहिल अदीम सर मैं मैंने

मेरे पास हक नहीं है I fundamentally disagree with तो, the, the okay. categorization of humans. Okay, well, नहीं all, all, all. इसने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास हक हाँ नहीं है ठीक है इसने कहा कि तुम्हें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है डॉक्टर बनने का हक हाँ हर एक को है लेकिन एज अ डॉक्टर वही प्रैक्टिस करेगा जिसको वो एजुकेशन मिली हो बहुत ही अमेजिंग पॉइंट बोल रहे हैं साहिल उद्दीन दैट अगर हर एक प्रोफेशन अगर मुझे एक प्रोफेशनल बनना है इफ आई वॉन्ट बी एन इंजीनियर अगेन मैंने वही एग्जाम्पल दी और टीचर बनू मैं या फिर मैं एक डॉक्टर बनूँ अगर मुझे बनना है आई हैव टू गो थ्रू अ अटन प्रोसेस अगर तुम्हें क्रिकेट बनना है फुटबॉल बनना है यू हैव टू गो थ्रू अ अटन प्रोसेस अंडर 16 खेलना है अंडर 19 खेलना है रांझी खेलना है ये सारे टेस्ट क्वालिफाई करने हैं इवेंचुअली यू प्ले फॉर द कंट्री ठीक है पाकिस्तान में जो भी होगा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इवेंचुअली प्ले फॉर द कंट्री राइट सो दैट दैट शुड भी यू नो दैट शुड भी अंडरस्टुड हेयर कियर वाई देयर इज नो प्रॉपर एजुकेशन फॉर आस वेयर वी हैव बीन टोल्ड या फिर एक एक सेटअप ऐसा हो जहाँ पे हमें कहीं ना एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाए कि हम कैसे पिक करें लोगों को कि कौन हमारा मेम्बर ऑफ पार्लियमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए

ये एग्जाम्पल देते हैं इनको ये बोलो ना कि यार अल्लाह ने ये कह रहा है वो तो अल्लाह डिसाइड करेंगे कि मैं सही अरे सही तो बोला उसने ना उसने तभी तो कुरान शरीफ भेजी ताकि तुम्हें तो ये बोले कि सही क्या है और गलत क्या है शराब पी के मैं ही थोड़ी बोलूंगा कि यार वो तो अल्लाह डिसाइड करेंगे ये मेरे दिल में क्या है भाई लेकिन शराब क्यों पी रहा है फर्स्ट पेज तो अल्लाह ने क्लियरली मना किया हुआ है जिना क्यों कर रहा है तो अल्लाह ने क्लियरली मना किया है झूठ क्यों कह रहे तो अल्लाह ने क्लियरली मना किया है ये तो अल्लाह डिसाइड करेंगे अल्लाह ने डिसाइड कर रखा है And he is telling you not आम बंदे को पता ही नहीं है कि नवाज शरीफ का असल मैनिफेस्टो क्या है चाहता क्या है या फिर सही और गलत कैसे करना है प्रेजिडेंशियल और प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर कौन कौन सी पावर मिल जानी है कौन कौन सी नहीं रेगुलर मैन नोज

लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए बिकॉज दे द द फेस ऑफ फर्स्ट प्लेस अगर नवाज शरीफ ऑल अबाउट वन सीट टू सीट्स जहाँ पे वो लड़ रहा था अपने में एज लीडर तो फिर इतनी इतनी लड़ाई क्यों थी दैट ही थीट नॉट द फेस तो फिर इमरान खान को क्यों डाला है जे जेल के पीछे वो तो बस एक दो सीट है ज्यादा से ज्यादा दस जगह लड़ सकता है इलेक्शन तो फिर उसको बिकॉज ही इज द फेस उसको देख के लोग वोट डालेंगे ठीक है क्या बकवास कर रहा है भाई <laughs> कुछ भी मतलब कुछ भी बेवकूफ़ पता है कि पैलेट पे शेर ही को वोट देता हैं ना वो तो नवाज शरीफ को वोट हुआ ना नो ना रियली इट्स इट्स लाइक नो द वे ही इजिंग नो टू जस्ट स्टूपिड दैट्स व्हाट यू आर स्टूपिड आई डोंट अंडरस्टैंड आई डोंट वांट टू से दीस वर्ड्स बट हाउ डू यू टू दीस झलक रही है आम बंदा नहीं देता है नवाज शरीफ को वोट आम बंदा तो अपनी कॉन्स्टिट्यूट में अपने लीडर को देता है तभी हमने इमरान खान को बंद रखा है क्योंकि हम डरे हुए हैं इसने नहीं रखा होगा स्टेट ने तो रखा है क्योंकि उनको पता है कि भाई एक वो एक सिंगल हैंडेडली पॉलिटिकल फोर्स आई विद इमरान खान और आई अग्री विद इमरान खान दास्ता और इम्पोर्टेंट कि स्टेट फंक्शन कैसे कर रही है इस टाइम पॉलिटिक्स में ये सब चीजें ये ब्लैक एंड वाइट नहीं होता दिस इ लाइक ग्रे जोन्स हर कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है सोचने के लिए But the point about everybody should be educated enough to understand what is good and bad, then they should vote, is actually a very good point.